हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है। आज राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच फिर से बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस 7 सीट देने के लिए ही तैयार है। 90 विधानसभा सीटें हैं हरियाणा प्रदेश में और इन सीटों पर पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अकेले अकेले ही चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक बैठक हुई। बैठक के बाद आज दूसरी बैठक होनी है। राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच फिर से बैठक होनी है और ऐसे में सोर्सेस से ये जानकारी मिल रही है हमें कि 10 सीटों की मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, लेकिन कांग्रेस 7 ही सीट देने के लिए तैयार है। हरियाणा में आपका साथ कांग्रेस को मिलेगा तो कितना फायदा इससे दोनों पार्टियों को इलेक्शंस में होगा, ये देखना होगा। हालांकि दोनों में से किसी भी पार्टी ने अभी तक अपनी एक भी लिस्ट जारी नहीं की है, अभी बैठकें ही चल रही है। एक्सप्लोर करते हैं, राहुल जी ने कल वही कहा था कि आप लोग एक्सप्लोर करो कि ये जो दरखास्त करते हैं, जो कुछ करते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है। फायदेमंद है तो आपको आगे बढ़ाना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। जो है सेकंड फेज में 41 सीट्स का डिस्कशन होगा, रिकमेंडेशंस को जो है उसके पर गौर किया जाएगा और CEC जो है उसको अपनी स्वीकृति देगी। और लिस्ट आ जाएगी सर, कब तक लिस्ट आने की संभावना? परसों। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। चलिए सीधे विजय का रुख कर लेते हैं। विजय, आपका साथ हाथ के पास, आज बैठक कब तक शुरू हो जाएगी राघव चड्ढा के और केसी वेणुगोपाल की? दोनों के बीच हुई थी और बातचीत हुई थी, जिसमें यह बात सामने आई थी कि आम आदमी पार्टी 10 सीटें चाहती है और कांग्रेस जो है वो 10 सीटें फिलहाल देने के मूड में नहीं है। और आज फिर दोबारा दोनों नेताओं के बीच बैठक होनी है और कांग्रेस की ओर से इसकी जिम्मेदारी केसी वेणुगोपाल को दी गई, जैसा आपने बताया। और दूसरी तरफ राघव चड्ढा इस बारे में बात करेंगे। जो आम आदमी पार्टी का जो फार्मूला है वो ये है कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे हरियाणा में और 10 सीटें हरियाणा में है लोकसभा की, और 10 सीटों में एक सीट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिली थी, तो अब आम आदमी पार्टी चाहती है कि हर नौ सीटों में से एक सीट जो है वो आम आदमी पार्टी को दी जाए, हर 9 विधानसभा में से, यानी 90 विधानसभा है तो 90 विधानसभा में से 10 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी के पास आनी चाहिए। हालांकि पहले जो चर्चाएं थी वो 4 से 5 सीटों की चल रही थी कांग्रेस जो दे सकती थी आम आदमी पार्टी, लेकिन अब 7 सीटों तक भी चर्चाएं हो रही है कि कांग्रेस 7 सीटों तक भी तैयार हो गई है। लेकिन फिलहाल दोनों पार्टी के बीच अभी सहमति बनने की कोई ऐसी खबर नहीं आई है। जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा उसके बाद ही आगे की जो इस मामले में कार्रवाई होगी वो होगी। उसके अलावा क्योंकि अब गठबंधन को लेकर चर्चाएं चल रही है, दोनों पार्टियों के नेता बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी माना जाना चाहिए कि अब कांग्रेस की लिस्ट आने में और ज्यादा देरी होगी। जो माना जा रहा था कि 4 से 5 तारीख तक कांग्रेस की पहली लिस्ट कम से कम आ सकती है उम्मीदवारों की, लेकिन अब जब तक गठबंधन को लेकर सारी बात जो है फाइनल नहीं होती है, टिकटों का बंटवारा नहीं होता है और कितनी टिकटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और इसके अलावा कौन कौन से हल्के जो है वो आम आदमी पार्टी को दिए जाएंगे, इन सब मुद्दों पर पहले बातचीत होगी और उसके बाद कांग्रेस की ओर से लिस्ट जारी होगी, यानी कांग्रेस की लिस्ट आने में अभी समय लगेगा। तो फिर देखना होगा कि कहाँ सहमति बनती है, क्या आम आदमी पार्टी 10 से कम सीटों पर तैयार होती है चुनाव लड़ने के लिए, या कांग्रेस को सीटें बढ़ानी होंगी, गठबंधन फिर चढ़ता है या नहीं चढ़ता है, ये फिलहाल ये सारी बातें फिलहाल देखनी होंगी। विजय, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सोर्सेस से भी जानकारी मिल रही है कि 10 सीटों की मांग वो कर रहे हैं, कौन कौन सी सीटों की मांग वो कर रहे हैं, इससे जुड़ी कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, अभी जो हलके हैं, जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वो तय नहीं किए गए हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी की ओर यही कहा गया है कि 90 विधानसभा सीटें हैं हरियाणा में और हर 9 विधानसभा में एक सीट, यानी एक जो लोकसभा होती है, एक लोकसभा क्षेत्र हरियाणा में होता है, उस एक लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से एक सीट उन्हें दी जाए ताकि 10 लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से 10 विधानसभा सीटें आम आदमी पार्टी खाते में आ जाए। हालांकि किन हलकों से पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ेंगे ये बाद में तय किया जाएगा, ये जब दोनों पार्टियां बैठेंगी और अलग अलग इलाकों की समितियां तय करेंगी कि कहां पर ज्यादा खिलाफत है भाजपा को लेकर या
कांग्रेस का जो पक्ष है वो कहाँ पर कमजोर है या उम्मीदवार कोई और दूसरा कांग्रेस का है, तो इस हिसाब से तैयारी की जाएगी, वो पॉजिटिव है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे, शुक्रिया इन जानकारियों के लिए।